आपको मालूमात होगी कि रावलाकोट से चलने वाली जो हड़ताल है जिसमें वकला जो है वो अपने मुतालबात के हक में बैठे हुए हैं, इनकी बात नहीं सुनी जा रही। जनाब रहबाज खान नंबर पर मौजूद हैं क्योंकि इस वक्त इनके एसोसिएशन के सदर हैं, बार एसोसिएशन के सदर हैं। मैं इनसे पूछना चाहूँगा कि जनाब किस वजह से आपने हड़ताल की और आपके यहाँ बैठने की वजह क्या है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, हमारी हड़ताल को आज 75 दिन हो गए और गुज़श्त 6 रोज़ से हम मुज़फ़्फ़राबाद में इस चौक के अंदर धरना दिए बैठे हैं। हमारी हड़ताल बुनियादी तौर पर हमारे सीनियर वकील एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक बेबुनियाद फेक एंड फैब्रिकेटेड FIR से शुरू हुई। अच्छा, ताहिर अनवर साहब जी, ताहिर अनवर साहब के आदमी हैं, लेकिन वो FIR जो हमारे IG साहब हैं, इनको पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के किसी ज़ाती मुलाज़िम ने फ़ोन करके कहा कि जी आप इसके खिलाफ FIR दर्ज करें। बुनियादी तौर पर हमारी जो है वो तहरीक वहाँ से शुरू हुई कि कोई भी लैंड ऑफिसर पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के किसी मुलाज़िम के कहने पर हमारे किसी इज़्ज़तदार आदमी के खिलाफ FIR करे और उसको बेइज्जत करने की कोशिश करें। यहाँ से हमारा मुतालबा शुरू हुआ। कश्मीरियों की बुनियादी राइट्स, हमारा बेसिक मुतालबा ये है कि हमारी जो आज़ाद हुकूमत है वो इतनी इम्पावर होनी चाहिए कि कोई लैंड अफसर उनके ऊपर हुक्म ना चलाए बल्कि हमारे वज़ीर आज़म के मातहत काम करें ये लोग। और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने इब्तिदा में जब पहले ही रोज़ हमने रावलाकोट में स्ट्राइक की, उन्होंने हमारी बार से मुलाकात के दौरान में ये कहा कि जी ये जो पूरा एक्ट हुआ है ये मेरे मुंह पे मात्र है, मुझे 2 दिन का टाइम दिया जाए, मैं देखता हूँ वज़ीर आज़म पाकिस्तान आ रहे हैं तो वो वापस चले जाएँ तो फिर मैं ठीक है। लेकिन आज तक वो कोई काम कर नहीं सके क्योंकि ये आप भी जानते हैं, सारे लोग ही कश्मीर के लोग जानते हैं कि ये लैंड अफसरान वायसराय की सूरत में हमारे ऊपर आते हैं, मुसल्लत किए जाते हैं और इन ये हर किस्म के कानून आइन से बावरा मखलूक अपने आप। FIR विड्रॉ नहीं की गई, यही लोगों को तासर दिया जा रहा है कि कहीं हमने FIR विड्रॉ की। अगर FIR विड्रॉ होती तो लीगली DM जो है वो उसको विड्रॉ करता। ये FIR इसकी बाकायदा इन्वेस्टिगेशन की गई, JIT बनी और उसने चालान पेश किया अदम तस्लीम हुकूक की बुनियाद पर अदालत में। चालान 173 के तहत या तो ज़िमनी चालान पेश होता है या आदमी चालान होता है या अदम तस्लीम हुकूक की बुनियाद पर होता है या अदम पता की बुनियाद, 4 तरह के चालान पेश किए जाते हैं। ये चालान पेश किया गया अदम तस्लीम हुकूक की बुनियाद पर कि ये वाकया हुआ ही नहीं। अच्छा, एक वाकया हुआ ही नहीं। मुतासर ये दिया जाए कि हमने FIR विड्रॉ कर दी, इन्होंने कोई FIR विड्रॉ नहीं की बल्कि पूरा लीगल प्रोसेस हुआ। अब जब अदम तस्लीम हुकूक की बुनियाद पर FIR ख़त्म हुई है तो फिर किसी जिम्मेदार के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए थी। ये तो नहीं कि एक मासज आदमी को आप बेइज्जत कर दें और उसके बाद आप छोड़ दें जी कि जो बस मामला हो गया सो हो गया, किसी जिम्मेदार को सज़ा मिलनी चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि हुकूमत का नुमाइंदा आपके पास आया इस वक्त? हुकूमत के नुमाइंदे सबसे पहले वज़ीर आज़म साहब से हमारी बात हुई थी, उसके बाद वज़ीर कानून हमारे पास रावलाकोट गए थे, उन्होंने हमारे मुतालबात सुने और उन्होंने कहा जस्टिफाइड है, मैं वज़ीर आज़म से बात करूँगा। फिर उसके बाद वो हमारे पास नहीं आए, हम यहाँ धरने में आए तो इंतजामिया के जरिए से हुकूमत ने हमारे साथ ज़ाकरात किए, अदलिया के जरिए से किए। आज वज़ीर हुकूमत हमारे दरमियान मीर अकबर साहब आए थे, उन्होंने आके बार काउंसिल से, बार एसोसिएशन के हमारे सदर और सेंट्रल बार के सदर, इनके साथ ज़ाकरात हुए यहाँ सेंट्रल बार के अंदर। इन्होंने हमारे मुतालबात को माना, फिर हमारे धरने में तशरीफ लाए यहाँ पर और फिर इन्होंने बाकायदा ऐलान किया कि आपके सारे मामला जो है सारे मुतालबात जस्टिफाइड हैं और वज़ीर आज़म से हमारी बात हुई है वो सब ये हल करना है का उन्होंने इरादा और आपको ये पैगाम दिया कि हम हल करते हैं। अभी हमारा वफद जो बार काउंसिल का हमारे जो शौकत कियानी साहब चेयरमैन वाइस चेयरमैन बार काउंसिल है उनकी क्यादत में कश्मीर हाउस में वज़ीर आज़म के साथ 7 बजे मीटिंग है। वज़ीर आज़म ने ये यकीन दहानी करवाई है कि आपके सारे मामला होंगे। अच्छा, ये बताओ कि F-74 जो है उसके खिलाफ भी आपको बताया कि काफ़ी मामला हुए हैं, आपकी जो बातें पेश करिए भी उसी के हवाले से है, उसको रिवाइज करने के लिए कमेटी भी तशकील दी गई है, आप क्या समझते हैं कोई एक्शन होगा या वैसे? देखिए, ये जो कमेटी तशकील दी गई है ये इसी तरह की कमेटी है कि जिसने पहले Act 74 बनाया था, ठीक है, और फिर उसमें जो तरमीम हुई उसी तरह की ये कमेटियाँ बनती रहती हैं। सही है। इस एक्ट में पाकिस्तान की इस कमेटी में जो पाकिस्तान के 3 लोग शामिल किए गए, सरताज अजीज और परजीज ताहिर जो वज़ीर उमूर कश्मीर है, ये 2 तो कानून की अबजद से भी वाकफ़ नहीं है। एक जो वफाकी वज़ीर कानून जो है उनको उसमें शामिल किया गया और 3 लोग यहाँ से, लेकिन ये रियासत का हर शहर ही जानता है कि जो कुछ वो कहेंगे वही होगा। हमारा मुतालबा ये है कि बार एक बार काउंसिल स्टेक होल्डर है, बार काउंसिल के नुमाइंदों को शामिल किया जाए, वकला इसमें शामिल हो, चूँकि वकला से ज़्यादा कानून कोई नहीं जानता, ना परजीज ताहिर जानते हैं, ना सरताज अजीज जानते हैं, ना कोई दीगर, इनको शामिल करूँगा। सिद्धार्थ
خالد ابراہیم صاحب کو بھی یہ کہنا ہے کہ کشمیری کو حقوقی بات پر چلا کرتے ہیں، اور اس کے بعد دیکھیں یعنی اس لحاظ سے کہ کشمیریوں کے حقوق کے حوالے سے ہم نے اکثر دیکھا کہ صدر عدیق صاحب بھی بہت ساری باتیں کرتے ہیں، لیکن اس موقع پر کیا آپ کے ساتھ نہیں آئے؟ وہ سردار خالد ابراہیم صاحب کی طرف سے تو کوئی نمائندہ ہمارے پاس نہیں آیا، سردار عتیق صاحب ایسے خود نہیں آئے، لیکن ان کی جماعت کے لوگ ہمارے پاس آئے اور انہوں نے ہمارے مطالبات کو بھی جسٹیفائی کرا دیا، ہمیں حمایت کا بھی یقین دلایا اور ہمارے ساتھ اظہار یکجہتی بھی کیا۔ ان کی جماعت کے ممبر اسمبلی سہیر چکتائی صاحب نے ہمارا معاملہ اسمبلی کے سیشن میں بھی اٹھایا ہے۔ جی عتیق صاحب کے لیے انہوں نے یہی بتایا، کل راجہ ثاقب مجید صاحب ہمارے پاس آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی بتایا کہ جی مجھے ہدایت ہوئی ہے جماعت کی طرف سے، میں آیا ہوں تو ہمارے صدر یہاں پر موجود نہیں ہیں، تو میں آپ سے ایک ساتھ اظہار یکجہتی کرتا ہوں اور آپ کے سارے مطالبات درست جائز اور جسٹیفائی ہیں۔